नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नए साल के स्वागत में जहां पूरा देश जश्न में डूबा है, तो वहीं इसी बीच मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने लोगों को जोर का झटका काफी जोर से दे दिया है। जी हां, अगर आप 1 जनवरी से रेल यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको टिकट की कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने रेल किराए में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। दरअसल महंगाई की मार पहले से ही झेल रही आम जनता को नए साल के पहले ही दिन रेलवे का किराया बढ़ाकर दोहरा झटका मिला है। जनरल से लेकर एसी तक सभी तरह के टिकट महंगे कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रति किलोमीटर 1 से 4 पैसे तक का इजाफा कर दिया है, जो 1 जनवरी 2020 से ही लागू हो गया है। यानी अब अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ किराया चुकाना पड़ेगा। रेलवे ने साधारण ट्रेनों के नॉन एसी सेकेंड क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है। स्लीपर क्लास के लिए भी किराए में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि फर्स्ट क्लास के किराए में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़े किराए की बात करें तो सेकेंड क्लास यात्रियों को प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। स्लीपर क्लास के किराए में 2 पैसे और फर्स्ट क्लास के किराए में भी 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। एसी क्लास की बात करें तो एसी चेयर कार के किराए में 4 पैसे, एसी 3 टियर के लिए 4 पैसे, एसी 2 टियर के किराए में 4 पैसे और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में भी 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। ट्रेनों में बढ़े किराए को ऐसे समझें जैसे दिल्ली से कोलकाता की दूरी 1,447 किलोमीटर है। अगर आप एसी क्लास में दिल्ली से कोलकाता जाते हैं तो आपको 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगभग 58 रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा। भाड़े में बढ़ोतरी होने से पहले यानी 31 दिसंबर 2019 से पहले बुक किए गए टिकट्स पर लागू नहीं होगी। भाड़े में वृद्धि शताब्दी राजधानी ट्रेनों के लिए भी लागू होगी, जबकि रिजर्वेशन चार्ज सुपर फास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेल किराया बढ़ाने के पीछे रेलवे ने तर्क दिया है कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। बढ़े किराए से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल स्टेशन और रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। रेल किराया बढ़ाने के साथ ही गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 19 रुपए, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 29.50 पैसे महंगा हो गया है। यानी नए साल पर आम जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है।